नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम टू चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संस्कृत साहित्य के जो कुछ लेखक हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ये हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं किसी न किसी क्षण में। तो इसको आप पूरा देखें, वीडियो को पूरी जानकारी लें और इसको हो सके तो आप नोट भी बना लें, इसको याद कर लें। इसमें से आपको लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा खुद का नोट है, ठीक है। देखिए, इसमें संस्कृत साहित्य में जो टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है, पहला है कि आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसमें अगर आपको इस तरीके से पूछे, जैसे उसमें आपका दे देगा आचार्यों का स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम, तो इसमें आप लिखेंगे कि सबसे पहले भामा है, उसके बाद वामन है, उसके बाद आनंद वर्धन है, उसके बाद है कुंतक, ठीक है। दूसरा है कुवलयानंद के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा अपय दीक्षित। कुवलयानंद के जो रचयिता है वो है अपय दीक्षित, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं ब्रश इनेबल कर लूँ, फिर आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो कुवलयानंद के जो रचयिता है वो है अपय दीक्षित, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए, दस रूपकम के लेखक का जो नाम है वो है धनंजय। क्या है? धनंजय। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लूँ काफ़ी। ओके, ठीक है। तो अगला देखिए, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, तो आप लिखेंगे ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। आनंद वर्धन का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आप लिखेंगे ध्वनि संप्रदाय। आपके क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे रहेंगे, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा तो सही वाला ऑप्शन होगा ध्वनि संप्रदाय। यहाँ पर देखिए, मैं वन लाइनर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वन लाइनर बना करके, ठीक है। आपके पेपर में चार ऑप्शन दे रहेंगे तो उसमें सही ऑप्शन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वहीं आपको टिक करना है। भामा अलंकार के संप्रदाय से हैं, ठीक है। भामा किस संप्रदाय से है अगर आपसे पूछे, तो भामा का जो संप्रदाय है वो अलंकार संप्रदाय से है। वामन किस संप्रदाय से है, तो वामन रीति संप्रदाय से है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय से है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय से है। उसके बाद देखिए, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय से हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस, ये जो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है, तो आप लिखेंगे विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचयिता है वो विशाख दत्त हैं। उसके बाद है, अगला है, श्रीहर्ष के पिता का नाम श्री हीर है और माता का नाम मामल्ल देवी है। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय चरितम को ही नैषध काव्य भी बोलते हैं। श्रीहर्ष की यहाँ पे रचनाएं मैं आपको पूरी रचनाएं बता दे रहा हूँ, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौडोर विस्कुल प्रशस्ति, अरड़ौ वर्णन छिंद, ये है छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साह सांक चरित चंपू आदि, ये जो है श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। इसको आप यहाँ से देख करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है देखिए, सॉरी, उज्ज्वल नील मणि रचना है, किसकी रचना है, तो रूप गोस्वामी की रचना है। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है, तो आप लिखेंगे जयदेव, चंद्रालोक के रचनाकार हैं जयदेव, ठीक है। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र, ठीक है। उसके बाद गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। उसके बाद देखिए यहाँ पे भास कवि और नाटककार, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो इस तरीके से हैं। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम उल्लेखनीय है। भास के 13 नाटकों की खोज, भास के जो है वो 13 नाटकों की खोज की गई है,
उसमें है गणपत शास्त्री ने की है, किसने किया अगर आपसे पूछे कि वास के जो 13 नाटक उनकी खोज किसने किया तो आप लिखेंगे गणपत शास्त्री ने। और 13 नाटक कौन कौन से हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं: प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम, व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंग, बालचरित, ठीक है, चारुदत्त, अवीरमाकम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासो दत्तम, ये भास के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखिए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है TGT स्पेशल, तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है। यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन अवश्य ही मिलने वाले हैं। अगला देखिए, कालिदास की रचनाएं कालक्रम के अनुसार, जिस तरीके से कालक्रम के अनुसार की जो रचनाएं हैं, पहला है ऋतु संहार, दूसरा है कुमार संभव, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम, चौथा है विक्रमोर्वशीयम, पांचवा है मेघदूत, छठवां रघुवंशम और सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये कालिदास की रचनाएं हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अगले पेज में चलते हैं, अगला पेज हमारा है, हाँ ये है भवभूति की रचनाएं। ये सभी जो मैं लेखक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कवि, इन सब की रचनाएं पूछी गई हैं पिछले जितने भी TGT PGT एग्जाम हुए हैं। भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरित, ठीक है, ये भवभूति की रचनाएं होगी। भारवी की रचनाएं किरातार्जुनीयम है, माघ की जो रचना है उसमें शिशुपाल वधम है, दंडी की जो रचना है वो है रचनाएँ दशकुमार चरितम, सुबंधु, वासव दत्ता, कला परिचय। सुबंधु इनकी नहीं है, सुबंधु एक कवि का नाम है, यहाँ पे हो गया है मिस्टेक से, काव्यादर्श, ठीक है। सुबंधु की रचना है वासव दत्ता, ठीक है। मम्मट की रचनाएं हैं काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की जो रचना है वो साहित्य दर्पण है, ठीक है। राजशेखर की बाल रामायण, बाल महाभारत, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की रचनाएं हैं। कुंतक की रचना है वक्रोक्ति, काव्य जीवितम, ठीक है। और पंडित जगन्नाथ की है रस गंगाधर, वामन की काव्यालंकार सूत्र, और भामा की है काव्यालंकार। तो इस तरीके से ये संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध लेखक थे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनकी रचनाएं यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।